अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू निमिस किचन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं निमिस किचन में आपके लिए लेके आई हूँ बर्गर पैटी की रेसिपी। बर्गर पैटी नॉर्मली बच्चों को बहुत पसंद होती है, बर्गर्स में लगा लें या सैंडविचेस में लगा लें, बहुत आसानी से बन जाती है और अगर आप मार्केट से कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ती पड़ती है। सो बहुत सिंपल रेसिपी है, लेट्स स्टार्ट इट। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं बर्गर पैटी के। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा, जिसको बहुत बारीक जो है वो कीमा बना हुआ है, इसको मैंने चॉपर में बहुत बारीक पीस लिया है। और हम डालेंगे यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक 1 टीस्पून डाल रहे हैं, काली मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च, गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर मस्टर्ड पाउडर, 1 कप आपको चाहिए मैदा और 1/2 कप हम लेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स चाहिए आपको। सिंपल इन्ग्रीडियंट्स में मैं आप ढेर सारी बर्गर पैटीज घर पे बना सकते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। साइड पे रख देते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अराउंड 5 to 6 टेबलस्पून आपने इसमें ब्रेड क्रम्स डालने हैं और 1/2 ब्रेड क्रम्स हम अभी यूज करेंगे कोटिंग में। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यूज करी हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। जी तो ये हमारा कीमा जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। ये अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कीमा लेते हैं और 1 प्याली में मैंने पानी ले लिया है। इस तरह से इसको हाथ पे डालेंगे और इसकी शेप बना लेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसका मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी है, आपके हाथों के साथ जुड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आप बड़ी अच्छी सी शेप बन जाती है इस तरह की। आपने बहुत थिक इसकी पैटी बनानी है क्योंकि बर्गर पैटी थोड़ी सी थिक होती है और साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। इस तरह से। और अब हम डिश में थोड़ा सा मैदा डाल लेते हैं ताकि ये इसके साथ स्टिक ना हो, और इस तरह से हम बर्गर पैटीज बनाते रह जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारी बर्गर पैटीज बना लूंगी। तो ये बर्गर पैटी अच्छे से रेडी हो गई हैं। अब हम इसे रखेंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो सेट हो जाए, और उसके बाद कोटिंग करेंगे। अगर हम अभी इसको कोटिंग करेंगे तो इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसको हार्ड होने देते हैं फ्रीजर में रखकर और उसके बाद इसकी कोटिंग करते हैं। जी व्यूअर्स, 30 मिनट्स इसको हमने रखा फ्रीजर में, तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा। 1 कप मैदा को हम इस बाउल में शिफ्ट करते हैं और 1/2 कप जो मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर उसको भी शामिल कर देते हैं। और इसकी हम बना लेंगे 1 पेस्ट। यहाँ पर हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, 1 थिक सी पेस्ट हम बना लेंगे यहाँ पर। तो ये पेस्ट बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसमें डिप करेंगे अपनी बर्गर पैटी को। डिप करने के बाद अब हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और अच्छे से कोट कर लेंगे।
थोड़ा सा प्रेस करें ताकि ब्रेड क्रम्स इस पर अच्छे से लग जाएं। जी तो ये देखें, बर्गर पैटी बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से सारी बर्गर पैटीज़ को हम कोट कर लेंगे। पहले हम मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में इसको डालेंगे और उसके बाद हम उसको ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी बर्गर पैटीज को ब्रेड क्रम लगाकर कोट करती हूँ। जी व्यूअर्स, सो ब्रेड क्रम्स की अच्छी से कोटिंग कर दी है मैंने। बर्गर पैटीज रेडी हैं। अब मैं इसको रखूंगी फ्रीजर में और जब भी जरूरत पड़ेगी इसको बना कर दूंगी। सैंडविच में बना सकते हैं और आप बर्गर पैटी वैसे भी खा सकते हैं, बर्गर्स बनाएं। आई एम श्योर कि आपके बच्चों की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको करते हैं फ्रीज और उसके बाद मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। जी तो अब हम करेंगे फ्राइंग। उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल डाल दिया है, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। बर्गर पैटीज बिल्कुल रेडी हैं। आई एम श्योर कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और मैं आपको अभी इसको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत मज़े की बनी है। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।